भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस खेमे में आक्रोश उग्र होते हुए नजर आ रही है। एक ओर जहां प्रदेश में रविवार को जेल भरो आंदोलन किया गया, तो वहीं धमतरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसके चलते सुरक्षा बल भी बड़ी संख्या में तैनात रहे। आंदोलन के दौरान पुलिस कांग्रेसियों नेताओं के बीच खींचातानी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसी को पुलिस वाहन में भरकर जेल भेजा। बता दें कि बलौदाबाजार कांड में कांग्रेसी के विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने आरोपी पाते हुए गिरफ्तार किया है। जैसे देवेंद्र गिरफ्तार हुए, वैसे ही कांग्रेसियों में आक्रोश छा गया और कांग्रेसियों ने जगह जगह देवेंद्र यादव की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। देखेंगे बलौदाबाजार में हिंसा होती है 2.5 माह पूर्व, सतनामी समाज के जट खाम में जो तोड़ फोड़ होता है उसके विरोध में समाज जन विरोध करने जाते हैं। प्रशासन को इतना भी होश नहीं रहता कि इतना बड़ा पंडाल लगा कार्यक्रम स्थल में, 10,000 लोगों को खाना बन रहा है, प्रशासन कहीं भी कोई तैयारी नहीं रखती है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहां जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा की स्थिति उत्पन्न करते हैं, कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मंच के माध्यम से बोलते हैं, ललकारते हैं, उकसाते हैं अपने समाज जनों को, उनको एक समझ जारी नहीं किया जाता। और हमारे एमएसए के युवा कांग्रेस और लोकप्रिय भिलाई नगर के विधायक को समझ जारी किया जाता है, जबरदस्ती द्वेषपूर्ण तरीके से गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसके विरोध में एनएसए युवा कांग्रेस सड़क में उतर के लगातार आंदोलन कर रही है। इसी सिलसिले में आज जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया था और भारी संख्या में 500 से अधिक कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए।